Hello and welcome. Today we proceed by continuing the previous topic and discuss another type of interstitial site, that is octahedral site. As you know, interstitial voids are two types. First is tetrahedral voids, second is octahedral voids. Agar hum tetrahedral voids ki baat karein, to yahan par hum tetrahedral voids ke bare mein already baat kar chuke hain, to aaj hum baat karenge octahedral voids ke bare mein, right? To agar hum octahedral voids ki bare mein baat karein, तो यहां पे अगर हम देखें तो दिस इज द क्लोज पैक लेयर ऑफ ए एटम. दिस इज ये जो ब्लैक कलर में है, दिस इज द क्लोज पैक लेयर ऑफ ए एटम. ये हमारा ए एटम है, राइट. अगर यहां पे हम देखें तो यहां पे दो तरह की साइट है, एक बी साइट है, दूसरी सी साइट है. तो ये हमारी बी साइट हो गई और अपर में ये हमारी सी साइट हो गई. तो यहां पर अगर हम इस प्लेन में सी साइट को देखें तो इस प्लेन सी में ये जो सी साइट है इसके चारों ओर हमारे तीन ए एटम है, राइट. ये मान लीजिए दिस इज द सी साइट एंड इसके चारों तरफ एक दो एंड तीन. इस तरीके से सी साइट के चारों ओर हमारे तीन ए एटम है. और यदि इसके ऊपर अगर हम बी एटम की क्लोज पैक लेयर को अगर हम रखें, यानी उसको हम प्लेस करें, तो होता क्या है कि हम देखते हैं कि सी साइट के ऊपर जो है यहां पर अगर हम देखें तीन बी एटम है, राइट. बी एटम की लेयर को अगर हम यहां पे प्लेस कर रहे हैं तो सी साइड के ऊपर हम देख रहे हैं तीन बी एटम है, राइट. तो इस तरह से इन दोनों लेयर के बीच में जो सी साइट है वो अनऑक्युपाइड है, राइट. तो इस तरह से दोनों लेयर के बीच में जो अनऑक्युपाइड साइट है, ये जो साइट है ये अनऑक्युपाइड साइट है, वही ऑक्टाहेड्रल वॉइड्स कहलाता है, राइट. In such a manner, you can say this interstitial site is formed at the center of six spheres, right? इसी को हम यहां पे अगर हम place करें तो यहां पे अलग से अगर हम यहां पे देखें तो you can say this interstitial site is formed at the center of six sphere and the center of which a regular octahedral voids, right? वहीं अगर हम इन तीन ए एटम के स्फीयर्स यानी तीन ए एटम के सेंटर को आपस में मिला दें तो एक इक्विलेटरल ट्रायंगल बनेगा. वहीं इसके ऊपर जो तीन बी एटम हैं उनके अगर हम सेंटर को मिला दें तो एक दूसरा इक्विलेटरल ट्रायंगल बनेगा, राइट. तो जो इस तरीके से है, तो इस तरीके से ये जो दोनों ट्रायंगल हैं ये दोनों आपस में अपोजिट डायरेक्शन में होंगे, राइट. तो इस तरह से अगर हम यहां पे देखें तो इसके प्रत्येक कॉर्नर पर एक एक एटम है. तो इस तरह से इनके बीच में जो खाली गैप होगा, जो स्पेस होगा, वही हमारा ऑक्टाहेड्रल साइट कहलाता है, राइट. तो यहां पर अगर हम देखें इन दोनों लेयर के बीच में जो साइट्स है उसमें टोटल सिक्स कॉर्नर होते हैं, राइट. टोटल सिक्स कॉर्नर, राइट. टोटल सिक्स कॉर्नर होते हैं. वैसे तो ऑक्टाहेड्रल की अगर हम बात करें तो उसमें टोटल एट फेस होते हैं, राइट. टोटल एट फेस. अगर इन दोनों ट्रायंगल को अगर हम देखें तो टॉप ट्रायंगल के नीचे एक इन्वर्टेड ट्रायंगल है, राइट. तो इनके बीच में जो सिक्स कॉर्नर हैं वो आपस में मिलकर टोटल एट ट्रायंगल फेस को बनाएंगे, राइट. यानी टॉप ट्रायंगल, बॉटम ट्रायंगल और अदर सिक्स ट्रायंगल मिलकर टोटल एट इक्विलेटरल ट्रायंगल बनाते हैं, राइट. लेकिन यहां पर जो देखने वाली बात है कि टॉप ट्रायंगल और बॉटम ट्रायंगल आर नॉट पैरेलल, राइट. यहां पर ये टॉप ट्रायंगल और बॉटम ट्रायंगल ये आपस में पैरेलल नहीं होते हैं, लेकिन ये आपस में मिलकर एंटी प्रिज्म को बनाते हैं विद द हेल्प ऑफ एट इक्विलेटरल ट्रायंगल, राइट. तो इस तरह से आप इसको डिफाइन कर सकते हैं कि ऐसा सॉलिड जो एट इक्विलेटरल फेसेस से घिरा रहता है वो रेगुलर ऑक्टाहेड्रल कहलाता है, या इसको हम ट्रायंगुलर एंटी प्रिज्म भी कह सकते हैं, राइट. यू कैन डिफाइन इन सच ए मैनर ए सॉलिड बाउंडेड बाय एट इक्विलेटरल ट्रायंगुलर फेसेस, दैट इज ऑक्टाहेड्रल वॉइड्स. या आप इसको कहें ए बाई पिरामिड बेस ऑन ए स्क्वायर. इसको आप यूं कहें कि ऐसा सॉलिड जो एट इक्विलेटरल फेसेस से घिरा रहता है वो रेगुलर ऑक्टाहेड्रल कहलाता है, या इसको आप ट्राई एंगुलर एंटी प्रिज्म भी कह सकते हैं, राइट. और ट्राई एंगुलर
एंटीप्रिज्म, राइट। तो इस तरीके से आप ऑक्टाहेड्रल वायर्स को डिफाइन कर सकते हैं, राइट। ऑक्टा मींस एट, ऑक्टा मींस एट, राइट, एंड हेड्रल मींस फेसेस, राइट। तो चलिए अब बात करते हैं साइज ऑफ द ऑक्टाहेड्रल वायर्स, राइट, साइज ऑफ ऑक्टाहेड्रल वायर्स। राइट, अगर हम यहां पे देखें तो दिस इज द सिक्स एटम्स, राइट। तो यहां पे अगर हम देखें तो स्क्वायर बेस्ड बाई पिरामिड जो है ऑक्टाहेड्रल बनता है, तो इसको अगर हम यहां पे देखें तो कुछ इस तरीके से बनेगा, दिस इज द स्क्वायर बेस्ड बाई पिरामिड, स्क्वायर बेस्ड या फिर आप इसको कहें ट्राइंगुलर एंटी प्रिज्म, राइट। तो अगर हम इसके साइज की बात करें तो इसको अगर हम द लार्जेस्ट स्फीयर दैट कैन फिट इनटू द वायर हैविंग रेडियस आर ओ, यानी ऑक्टाहेड्रल, तो जो कुछ इस तरीके से बनेगा। अगर हम इसके डायगोनल को आपस में मिला दें, राइट, चूंकि यहां पे इसकी रेडियस कितनी है आर, राइट, इसकी भी आर है, और यहां पे ये जो लार्जेस्ट स्फीयर है, ये जो इंटरस्टिशियल साइड पे इसकी जो रेडियस है वो आर ओ है, राइट। तो अगर हम इसके डायगोनल को मिला दें तो मान लीजिए दिस इज ए बी सी एंड डी। अगर हम इसके डायगोनल को देखें ए सी स्क्वायर डायगोनल ऑफ स्क्वायर, राइट, तो यहां अगर आप देखें विद द हेल्प ऑफ पाइथागोरस थ्योरम ए सी स्क्वायर इज इक्वल ए बी स्क्वायर प्लस बी सी स्क्वायर, राइट। यहां पे ए सी हमारा कितना हो जाएगा, दिस इज ये हमारा आर प्लस आर, यानी ये आर प्लस आर और ये हमारा प्लस टू आर ओ, राइट। तो ये हमारा हो गया 2R प्लस 2RO। तो AC को अगर हम देखें तो यहां पे AC हो जाएगा हमारा, राइट, 2R प्लस 2RO इक्वल टू अंडर रूट AB की वैल्यू हो जाएगी, क्योंकि ये R है, ये भी R है, तो ये टोटल 2R हो जाएगी, राइट, टोटल 2R, यहां पे भी ये हमारी टोटल 2R होगी, राइट। तो इस तरीके से यहां पे ये कितना हो जाएगा 2R का होल स्क्वायर प्लस BC हमारा भी 2R हो जाएगा, यानी 2R का होल स्क्वायर। यहां पे ये अगर इसको और सॉल्व करेंगे तो 4R प्लस 4R स्क्वायर यानी 8R स्क्वायर, इसको और अगर आप सॉल्व करेंगे तो ये हो जाएगा 2 अंडर रूट 2R, राइट। तो यहां पे ये 2R प्लस 2RO, यहां पे 2 कैंसिल हो गया, राइट, तो यहां पे आ गया R प्लस RO इक्वल टू अंडर रूट 2R।
तो और आगे अगर इस यहां पे देखें तो आर ओ की वैल्यू हो जाएगी हमारी अंडर रूट टू आर माइनस आर। तो यहां पे अगर आर कॉमन ले लेंगे तो अंडर रूट टू माइनस वन, राइट। तो इसको आप लिख सकते हैं, ये वैल्यू हो जाएगी 0.414 आर, राइट। तो इस तरीके से जो हमारे आर ओ की वैल्यू आ गई 0.414 आर, राइट। तो ये रही बात ऑक्टाहेड्रल वायर के साइज के बारे में, राइट। अब हम बात करते हैं लोकेशन ऑफ ऑक्टाहेड्रल वायर्स इन क्यूबिक क्लोज पैक स्ट्रक्चर। लेट्स ट्राई टू ड्रा ए क्यूबिक क्लोज पैक्ड यूनिट सेल, राइट। अगर यहां देखें तो ऑक्टाहेड्रल वायर्स लोकेटेड बिटवीन सिक्स फेस सेंटर्ड एटम ऑफ द क्यूब, राइट। तो यहां पर टोटल सिक्स फेस सेंटर्ड एटम है, ये ऑक्टाहेड्रल वायर के सिक्स कॉर्नर होंगे, राइट। जो कि अगर इन हॉरिजेंटल चारों एटम्स के सेंटर को अगर हम मिला दें तो एक स्क्वायर बनता है, राइट। वो कैसे बनेगा, वहीं अगर इसके टॉप और बॉटम को मिला दें, राइट, तो यहां पे दो पिरामिड बनते हैं जो कि स्क्वायर बेस्ड बाई पिरामिड होंगे, राइट। अगर इसको हम यहां पे मिला दें, यहां पे अगर हम देखें जो ऑक्टाहेड्रल वायर्स बनेगा वो इसके यहां इस सेंटर पे बनेगा, राइट। तो इसके इन चारों एटम के जो सेंटर में होगा, यानी इन चारों एटम से इसकी जो डिस्टेंस होगी यहां से लेकर के यहां तक, ये हो जाएगी हमारी a बाई टू, राइट। a बाई टू यहां से ये डिस्टेंस, और यहां से ये डिस्टेंस a बाई टू, ये भी a बाई टू। तो इसके सेंटर पे ये हमारा ऑक्टाहेड्रल वायर्स होगा। यदि आप इसके एज के सेंटर में अगर हम देखें, दिस इज द सेंटर ऑफ द एज, तो अगर एज के सेंटर में हम देखें तो यहां पर भी एक ऑक्टाहेड्रल वायर बनेगा, राइट। यानी a बाई टू राइट, a बाई टू लेफ्ट, a बाई टू टॉप, a बाई टू बॉटम, इस तरह से एक ऑक्टाहेड्रल वायर इसके एज के सेंटर पर फॉर्म होगा, राइट। तो इस तरीके से ये भी a बाई टू होगा, राइट। इधर भी जो यहां पे एटम होगा वो भी a बाई टू होगा, राइट। तो इसके टॉप पे अगर हम देखें तो जो ऊपर यूनिट सेल होगा इसके, यहां पे ये जो हमारा एटम होगा यहां पे भी a बाई टू, इसके बॉटम में देखें तो ये भी डिस्टेंस हमारी a बाई टू होगी, राइट। तो इस तरीके से अगर हम देखें तो इसके प्रत्येक एज पर एक ऑक्टाहेड्रल फॉर्म होगा, राइट। तो इस तरीके से अगर हम यहां पर देखें तो यहां पर टोटल 12 एज हैं, राइट, टोटल 12 एज हैं। तो नंबर ऑफ ऑक्टाहेड्रल वायर्स पर सेल की अगर हम बात करें तो इस तरीके से नंबर ऑफ ऑक्टाहेड्रल वायर्स को एक यूनिट सेल में देखें तो एक हमारा इसके सेंटर में बनेगा, और प्लस चूंकि एक प्रत्येक एज पर एक ऑक्टाहेड्रल वायर्स बनेगा तो टोटल यहां 12 एज है। तो 12 एज में चूंकि एक ये हमारा जो है ये 12 एज है, लेकिन यहां प्रत्येक एज जो है वो चार क्यूब से शेयर होगी, तो यहां पे हो जाएगा 1/4। तो इस तरीके से 1+3=4। तो यहां पे अगर हम देखें तो नंबर ऑफ ऑक्टाहेड्रल वायर्स पर सेल वो हो जाएगी 4, राइट। वहीं अगर हम इसके नंबर ऑफ ऑक्टाहेड्रल वायर्स पर एटम की अगर हम बात करें, नंबर ऑफ ऑक्टाहेड्रल वायर्स पर एटम को अगर हम देखें तो क्या हो जाएगा, नंबर ऑफ ऑक्टाहेड्रल वायर्स वायर्स पर सेल अपॉन
number of atoms per cell, right? तो अगर यहां आप देखें तो number of octahedral voids कितने हैं यहां पे, चार, और number of atoms की अगर हम बात करें तो हो जाएंगे चार, तो total एक, मतलब एक octahedral void per atom, right? तो इस तरीके से हम यहां पे number of octahedral voids per atom को ज्ञात कर सकते हैं, right? तो इस तरीके से आज हमने इंटरस्टीशियल वॉइड में ऑक्टाहेड्रल वॉइड्स के बारे में, उसके साइज के बारे में, उसके लोकेशन के बारे में जानकारी ली। थैंक यू।